सो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी आयरन लॉसेस के बारे में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉपर लॉसेस या फिर आई स्क्वेयर आर लॉसेस के बारे में। तो कॉपर लॉसेस जो हमारे होते हैं, इनको हम आई स्क्वेयर आर लॉसेस भी कहते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। और ये जो है, ये कहाँ पे होते हैं हमारे, ये होते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग में बिकॉज ऑफ वाइंडिंग रेजिस्टेंस। अब क्या होता है, जो हमारी वाइंडिंग होती है प्राइमरी या फिर सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है, उसकी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी, ठीक है। तो जो रेजिस्टेंस होती है, उसकी वजह से जो हमारे लॉसेज आते हैं, उनको हम कहते हैं कॉपर लॉसेज या फिर आई स्क्वेयर आर लॉसेज। अब जो हमारा पीसी होता है, ये होता है हमारा कॉपर लॉस, ठीक है। तो पीसी जो हमारा आएगा, ये आएगा आई वन स्क्वेयर आर वन प्लस आई टू स्क्वेयर आर टू, ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों के समय, ठीक है। जो प्राइमरी में लॉसेज होंगे प्लस जो सेकेंडरी में लॉसेज होंगे, वो आएगा हमारा टोटल कॉपर लॉस। तो अब हमें पता है कि जो ट्रांसफार्मर के केस में आई वन टी वन इज इक्वल टू आई टू टी टू होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास, अगर हम यहाँ से आई वन की वैल्यू निकालेंगे, तो हमारे पास आ जाएगी आई टू टी टू अपॉन टी वन। अब जब हम आई वन की वैल्यू पुट करेंगे आई टू टी टू अपॉन टी वन इस इक्वेशन में, तो हमारे पास पी सी की जो है कॉपर लॉस की वैल्यू आ जाएगी पी सी इज इक्वल टू आई टू स्क्वेयर टी टू अपॉन टी वन स्क्वेयर आर वन प्लस आई टू स्क्वेयर आर टू। तो इसको हम लिख सकते हैं आई टू स्क्वेयर इंटू आर टू प्लस टी टू अपॉन टी वन का स्क्वेयर आर वन। तो ये आ जाएगा हमारे पास आई टू स्क्वेयर आर ए टू। ये कैसे आएगा देखिए, तो जब हम आई वन की वैल्यू आई टू टी टू अपॉन टी वन पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो हमारे पास पी सी की जो वैल्यू आएगी, वो आएगी आई टू स्क्वेयर टी टू अपॉन टी वन का स्क्वेयर आर वन प्लस आई टू स्क्वेयर आर टू। तो ये जो हमारे पास आएगी, इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए, यहाँ से आई टू स्क्वेयर जो है, ये कॉमन आ जाएगा इन दोनों इक्वेशन में से। आई टू स्क्वेयर जो कॉमन आ जाएगा इंटू यहाँ पे आर टू बचा प्लस यहाँ पे जो बचा, ये बचा टी टू अपॉन टी वन का होल स्क्वेयर इंटू आर वन। तो ये आ जाएगा हमारे पास, तो इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू आई टू स्क्वेयर आर ई टू। तो यहाँ से हमको क्या पता चलता है कि जो कॉपर लॉसेज होते हैं, ये वेरी करते हैं एज द स्क्वेयर ऑफ द लोड करंट। अब आई टू स्क्वेयर आर ई टू क्या है, ये है स्क्वेयर ऑफ द लोड करंट। तो जो हमारे कॉपर लॉसेज हैं, ये हमारे वेरी करते हैं विद स्क्वेयर ऑफ द लोड करंट के। अब हमने यहाँ पे पुट किया था आई वन की जगह पे आई टू टी टू अपॉन टी वन, अब हम पुट करेंगे आई टू की जगह पे आई वन टी वन अपॉन टी टू। तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगी क्वेश्चन, पी सी इज इक्वल टू आई वन स्क्वेयर आर वन प्लस आई टू स्क्वेयर आर टू। तो यहाँ पे जब हम पुट करेंगे आई टू की जगह पे आई वन टी वन अपॉन टी टू का होल स्क्वेयर, तो हमारे पास आ जाएगा आई वन स्क्वेयर आर वन प्लस आई वन टी वन अपॉन टी टू का होल स्क्वेयर इंटू आर टू। तो ये हमारे पास आ जाएगा आई वन स्क्वेयर इंटू आर वन प्लस टी वन अपॉन टी टू का होल स्क्वेयर आर टू विच इज इक्वल टू आई टू स्क्वेयर आर ई वन। तो ये जो हमारे पास आ जाएगा, एक ये आ जाएगा हमारे पास और एक ये आ जाएगा हमारे पास ये। तो इसको दो नंबर इक्वेशन डाल देते हैं, इसको तीन नंबर इक्वेशन डाल देते हैं। तो जो हमारे पास कॉपर लॉसेज जो आएंगे, ये आएंगे हमारे पास पी सी इज इक्वल टू आई वन स्क्वेयर आर ई वन या फिर विच इज इक्वल टू आई टू स्क्वेयर आर ई टू, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएंगे कॉपर लॉसेज। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे स्टे लॉसेज को और डाई इलेक्ट्रिक लॉसेज को। तो वो तो एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, तो वो तो एक या दो मिनट के वीडियो में कवर हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।